मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों कि मोदी जी के 400 पार के नारा को भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिग्गज नेता ही पूरी तरीके से नकार रहे हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने एक खत लिखकर आगाह किया है कि मोदी जी 400 पार का नारा देना छोड़ दीजिए, क्योंकि हालत बीजेपी की जमीनी तौर पर बहुत बुरी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि ये खबर सही है, हकीकत में ऐसा ही हुआ है। मोदी जी और गोदी जी 400 पार का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन उनके नेता कह रहे हैं कि बस कर दीजिए मोदी जी, 400 पार का नारा ना हो पाएगा, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सांसदों से, विधायकों से काफ़ी नाराज है, काफ़ी खफा है। और ख़ासकर सत्ताधारी बैठे हुए जो सरकार है, जो मोदी जी हैं, उनके जो डिसीज़न लिए गए हैं उससे जनता के अंदर काफ़ी नाराज़गी है। महंगाई का जो मार है उस पर जनता ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। अब जनता किस तरीके से बहिष्कार कर रही है ये तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे खदेड़ने वाला वीडियो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट भाजपा का बस टेम्पो भी प्रचार प्रसार के लिए जो गांव जाता है, वहां पर गांव वाले उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस पर भी हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को लगता है देख और सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरीके का खत लिखा है। एबीपी न्यूज़ ने ही ये खबर छापी है दोस्तों, और एबीपी न्यूज़ लिखता है कि 400 पार का संकल्प मुश्किल है, बीजेपी के दिग्गज नेता ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, इस बात पर जताई आपत्ति। अब क्या बात है, ज़रा एबीपी न्यूज़ की भी आर्टिकल पढ़कर आपको बता दूं कि कौन सी बात पर आपत्ति जताई है, क्योंकि जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी जो है वो आखिरी लेवल तक पहुंच गया है आंकड़ा, जिसको देखते हुए जनता ज़मीनी स्तर पर विरोध कर रही है, और किसान जो है खुद विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस किसान को लेकर मोदी जी कहते हैं कि किसान के लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ, वो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, एबीपी न्यूज़ के इस आर्टिकल पर ज़रा नज़र डालती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या कह रहा है एबीपी न्यूज़। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान दोस्तों संपन्न हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। कानपुर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के बीच छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर सीट पर बीजेपी के नए चेहरे रमेश अवस्थी पर दाव लगाया गया है, लेकिन इस नाम को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी दिख रही है। टिकट मिलने के बाद से ही बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी लगातार सुर्खियों में बने हैं। ये नाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नया है, जिसके बाद उनके चयन को लेकर सवाल भाजपा पर उठ रहा है। इसे लेकर अब कानपुर से बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीएचपी पूर्व राष्ट्रीय संयोजक, बजरंग दल के पद पर आसीन रह चुके दिग्गज नेता प्रकाश शर्मा ने प्रधानमंत्री को खत लिख दिया है और कह रहे हैं कि कानपुर से प्रत्याशी के चयन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि 400 पार के संकल्प का पूरा होना मोदी जी मुश्किल लग रहा है। प्रकाश शर्मा का नाम कानपुर के दिग्गज नेताओं में शुमार है। वो अब तक बीजेपी, बीएचपी और बजरंग दल जैसे कई संगठनों से जुड़े रहे हैं और बड़े पद पर आसीन रह चुके हैं। शहर की राजनीति के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं, लेकिन बीजेपी ने कानपुर सीट पर जिस प्रत्याशी पर दाव खेला है, उस प्रत्याशी का नाम रमेश अवस्थी है। उसका टिकट फाइनल किया और उसे चयन करते हुए उसे चुनाव लड़ने के लिए जो है लोकसभा का टिकट दे दिया। इस बात को लेकर जो सियासी पारा है वो बीजेपी में तेज़ हो गया है, और इसको लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दिया है। प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि कानपुर की भूमि क्रांतिकारियों की धरा है, यहाँ इस भूमि से, जनसंघ से लेकर बीजेपी की जमीन तैयार हुई है। ये पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है जिसकी पहचान कार्यकर्ताओं के बीच ही नहीं है। कार्यकर्ताओं और यहाँ के नेता को ये भी नहीं पता कि रमेश अवस्थी ने कब बीजेपी की सदस्यता ली और कब उन्होंने पार्टी में अपना योगदान दिया है। इस तरीके से पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, इस तरीके से पत्र लिखते हुए बीजेपी को और मोदी जी को बता रहे हैं कि आप इस प्रत्याशी का नाम हटाकर जो प्रत्याशी पहले थे, जो यहाँ से पहले से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ही प्रत्याशी बनाइए, नहीं तो मोदी जी आप 400 पार नहीं ला पाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, 400 पार का नारा देना तो आसान है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप देख ही रहे हैं। हम आपको लगातार वीडियो और ख़बरों के माध्यम से बता रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या है। भले ही
आपको बड़े बड़े नए नए होर्डिंग्स लगाकर चमकाकर दिखा दिया जाए, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जनता का विरोध लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। आपको पता ही है कि जनता किस कदर विरोध कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता वोट मांगने जा रहे हैं उनको भगाया और खदेड़ा मारा पीटा तक जा रहा है। ऐसी नौबत, ऐसी स्थिति आ गई है, लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं 400 पार का नारा, तो देखते हैं 400 पार कितना होता है 4 जून को, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।